कार्यक्रम के द्वारा आयोजित विज्ञान दिवस के इस समारोह में उपस्थित रात के प्रोग्राम के अध्यक्ष कपिल भारती सर, उपस्थित मेहमान शमीन कोमिन सर, स्कूल के असिस्टेंट प्रिंसिपल जाहिद अंसारी सर, सुपरवाइजर सुजी पटेल सर, सभी टीचर्स और मेहरबान, आप देख रहे हैं कि हमारा देश जो है वह तरक्की कर रहा है और वो तरक्की के पीछे हम अगर देखें बहुत साल पीछे तो उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा है। दुनिया में भी जब इंग्लैंड में पहली बार जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तो उसका नतीजा ऐसा हुआ कि वह जो देश है वह आगे बढ़ा और पूरी दुनिया ने उनकी तरफ से या जो डेवलपमेंट है डेवलपमेंट करने की थी मदद की तरफ से और ये जो डेवलपमेंट है डेवलपमेंट होने के पीछे देखेंगे तो वह साइंस का बहुत बड़ा साइंस के इनोवेशन होते हुए नए नए जो यंत्र है मशीन लाए गए और मशीन के द्वारा यह डेवलपमेंट होता हुआ हमारी नजर में तो यह जो डेवलपमेंट है डेवलपमेंट करने के लिए बहुत जरूरी साइंस जो है साइंस अपने बच्चों को टैलेंट देते वक्त ही अगर सिखाया जाए तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। ऐसी सोच रखते हुए हुकूमत ने यह जो साइंस डे मनाने का जो आदेश है आदेश स्कूलों को दिया गया और हर एक स्कूल आज विज्ञान दिवस के अवसर पर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट प्रयोग के द्वारा बच्चों को साइंस कैसे पढ़ाया जाए यह यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आप लोगों द्वारा जो हमें दिखाया गया है जो मॉडल्स आपने रखे थे आपने साइंस दिवस के अवसर पर तो ये हमारे सामने पेश किया लेकिन आपने आपको मैं यह कहना चाहूंगा कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस बात का ख्याल रखें कि हमारी जिंदगी में कहां पर साइंस आ रहा है और साइंस से हम अपने आप को कैसे आगे करते रहेंगे अपने देश को आगे करते रहेंगे और साथ ही साथ अपने देश का नुकसान न होते क्योंकि पोल्यूशन का अगर देखा जाए पोल्यूशन का भी वहाँ पर एक लोग रखा गया था उसमें कहा गया था कि पोल्यूशन कैसा बढ़ता चला जा रहा है तो पोल्यूशन भी ना हो और देश भी आगे आगे तरक्की करे यह हमें देखना है। इसलिए मैं अपनी बात इस विज्ञान दिवस के अवसर पर आपको कहना चाहूंगा और मुझे यहाँ पर आने पर बहुत बड़ी खुशी हुई।